गाइस आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज सना आई हुई है और सना के एग्जाम चल रहे हैं, तो वो अपना एग्जाम ओवर करके समटाइम्स आ जाती है और अच्छा लगता है मुझे भी वो मुझसे मिलने आती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जब कोई मुझसे मिलने आता है तब मैं अपना फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ, ना मैं किसी को रिकॉर्ड करता हूँ और मैं क्या खाया क्या नहीं खाया मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, बिकॉज वो लोग मुझसे मिलने आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो सना और मैं बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे, फिर हमें याद आया कि क्यों ना आज जो है एसएन जाया जाए। तो आज हमारा सडनली अनएक्सपेक्टेड एसएन वाला प्लान बना है, तो हम सोच रहे कि क्यों ना चला जाए। यस, वीकेंड नहीं है तो फिर रश नहीं होगा वहाँ पे और काफ़ी मज़ा आएगा। देखते हैं हम क्या खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ खरीदने का मन भी नहीं है बट फिर भी चलते हैं। गाइज कीप योर सेल्फ बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड बिकॉज बहुत गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है और दिल्ली की गर्मी हमेशा किलर होती है। सो मैं सोच रहा हूँ पहनने के लिए ये दो कपड़े बिकॉज फुल स्लीव्स पहनूंगा ताकि मुझे टैन ना हो, एंड पैंट पहनूंगा जो कि कंफर्टेबल हो। पैंट पहनूंगा ताकि कंफर्टेबल हो और फुल स्लीव्स इसलिए पहनूंगा ताकि मुझे टैन ना हो। वाओ, सो ये पैंट मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है और ये है भी काफ़ी कंफर्टेबल और ये स्टाइलिश, इसकी पॉकेट्स पे ऐसे बना हुआ है डिज़ाइन कुछ फ्रिल टाइप, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, ये पैंट मेरी फेवरेट है। ऑल्सो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरी ये पैंट है, गो पैंट है, जिसको मैं समझ में नहीं आता तो पहन लेता हूँ। और ये मेरा टॉप, तो मैं इसको पहनूँ, बेशक बाहर 40 डिग्री हो जाए 50 डिग्री हो जाए मैं ब्लैक पहनना नहीं छोड़ूंगा। चलो पहनते हैं। सो ऐसा था ये कुछ पैंट। ओके 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 डॉक्टर डैंग। सो ये है मेरा लुक और मैं सनस्क्रीन मैंने ऑलरेडी लगा लिया था फेस वॉश करने के बाद, बहुत सारा सनस्क्रीन मैंने, ये क्या वाइट वाइट हो रहा है, ओके सो बहुत सारा सनस्क्रीन मैं लगा चुका हूँ ऑलरेडी, फेस पे मेकअप नहीं लगाऊंगा, बस एक लिपस्टिक लगाऊंगा। आई विल गो विद दिस लिपस्टिक, दिस इज माय फेवरेट शेड। टन टन ओके नाउ जस्ट लेस एंड एनहेंस आर फीचर्स, व्हेन योर फीचर्स आर शार्प यू लुक अट्रैक्टिव लाइक मी। ओके मैंने कुछ मेकअप नहीं लगाया, मस्कारा भी नहीं लगाया आज तो मैंने, चलो लेट्स थोड़ा सा मस्कारा लगा ही लेते हैं। टीं 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 मस्कारा, तो मैं ले आया हूँ अपना मस्कारा। ओके गाइस मेकअप इज डन टीं टीं, लेट्स गो विद माय फेवरेट डिजिटल लेंसेज व्हिच इज This is my one of my favorite shades. Shade तो नहीं है, जो भी है यार समझ जाओ ना, small town. School teacher ज्यादा लग रहा हूँ मैं। So let's go. बहुत सारी sunscreen मैंने हाथों पे भी लगा लिया था, मेरी आंखों में, my eyes on you. Okay? Just like and subscribe. हिट द बेल आइकॉन, अब आई थिंक बेल आइकॉन चला गया, जो भी है हिट द सब्सक्राइब बटन। ओके सो दिस इज माय फेवरेट बैग, माय वॉलेट जिसमें मेरा कैश, मेट्रो कार्ड्स वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना होते हैं, और इसमें रखूंगा मैं एक वाटर बॉटल, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो वेन एवर यू गो एसएन प्लीज एक वाटर बॉटल अपने पास जरूर रख लेना, और मैं इसके साथ साथ ऐड करूंगा एक अम्ब्रेला, बिकॉज अम्ब्रेला भी बहुत जरूरी है, सन होगा और सब। मैं हो गया हूँ रेडी, लेट्स गो। एक मिनट, दी स्लाइड्स क्या बोलते हैं इनको, जो भी बोलते हैं इसको, मैंने एसएन से ही खरीदा था, दिया मोस्ट कम्फर्टेबल फॉर वॉकिंग एंड रोमिंग वगैरह वगैरह, बहुत बहुत कम्फर्टेबल लगता है। बहुत कम्फर्टेबल है ये,
आपसे कार में। 3, 2, 1 1100 रुपए प्रोत्साहन राशि मिली है मुझे मिस्टर एक्स की तरफ से। सना से हाय। हाय एवरीवन। अच्छा ब्लॉग बनना। सो वी आर गोइंग टू सरोजनी नगर। आप भी आए करो। हाय एवरीवन बोलो। हाय गाइस। So I'm on my way. Guys, can you see my हालत? मतलब अब तो मैं बस बहुत टायर्ड हो गया। अब मुझसे यही हो रहा है। आ गया मैं आफ्टर सरोजनी से। सरोजनी में ट्रेजेडी हो गई और ट्रेजेडी उसमें ये हुई कि मैं यहाँ से गया, पहुँचा, पहुँचने के बाद क्या था यार हाँ तो पहले तो मैंने फ़ोन निकाला नहीं कि मेरे फ़ोन के साथ ही ट्रेजेडी हुई। तो वो ये थी कि मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने सोचा कुछ ख़रीद लेता हूँ, उसके बाद मैं कुछ शूट वूट करूँगा, कुछ ब्लॉग में लेकर आऊँगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। काफ़ी ज़्यादा रश नहीं था। फ़ोन में थोड़ा सा शायद क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में था तो वो उसमें फिंगर्स लगते गए, फिंगर्स की वजह से मेरा फ़ोन अनअवेलेबल हो गया। मतलब मेरा फ़ोन अनअवेलेबल हो गया तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाया। बट वो जानबूझ के नहीं हुआ, ऐसे ही वो तो फिंगर लगने की वजह से हो गया था अनअवेलेबल। बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए मैं आगे का शूट नहीं कर पाया और मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई है आईफोन को लेके। और यार आईफोन सच में यार क्यों करते हैं यार आईफोन ऐसी चीज़, ऐसी हरकतें क्यों करता है। बट फिर भी मैंने वहाँ से कुछ ज़्यादा सामान नहीं खरीदा, बट पहली बार मैंने कुछ अटंका खरीदा वहाँ से। सो मैं वो दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट या हॉल या फिर नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, नेक्स्ट हॉल वीडियो में। और थक गया मैं, मेरा फेस कितना ज़्यादा वो हो गया है। और आज के लिए इतना ही गाइस, मैं यहीं पे फिनिश करूँगा बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। रात का खाना भी बनाना है। मैं आपसे भी लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम चैनल। एंड टिल देन स्टे स्टाइलिश स्टे सेक्सी। लव यू। बाय। ओवर एंड आउट।